नहीं मम्मी, हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपको विजिट कराएंगे माइंस एंड क्रशर। आपको ये बिजनेस जानना था, कैसे ये होता है, क्या ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ। हमारी फैमिली में बेसिकली ये बिजनेस एक फन की तरह है। इसको मैनेज करता है बेसिकली मेरे भाई वगैरह, मेरी फैमिली करती है। मैं कम जाती हूँ वहाँ पर। क्यों मैं थोड़ा कम जाती हूँ? क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है। वो सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे रास्ते में। आपको पूरा फुल ऑन बिजनेस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि माइंस एंड क्रशर में कितना पैसा आप बनाते हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने चैलेंजेस हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। अब लेट्स स्टार्ट, आइए जर्नी का पार्ट बनिए हमारे साथ। गाड़ी कौन चलाएगा? सनी तू चला, चल चले। कौन कहाँ बैठेगा? ब्लास्ट होते मैं ऐसे उड़ के गिर जाती हूँ। उसके ऊपर खड़ा, बिल्कुल ब्लास्टिंग हो रही थी, उसके ऊपर खड़ा बोली भाई हूँ। मतलब भाई पीछे आ जाओ, पत्थर वत्थर। अरे नहीं नहीं देखूंगा, आई हूँ खड़ा करती। अब उसने लगाई आग और लड़का भागा बबली भाई के आगे। था बबली भाई घबरा गया, बबली भाई उससे ही आग गया। वो उससे आगे और वो उससे भी आगे। पीछे पीछे एक लड़का लेके आ रहा बबली भाई का मोबाइल। तो चलिए, ये गप्पे शप्पे तो हमारे चलते रहेंगे। ये जो आज हम लोग जा रहे हैं, ये ही हमारा प्रोसेस है। जो हम क्रशर माइंस को इतना ही सीरियसली लेते हैं क्योंकि वहाँ पर मेनली जो काम है, जो करते हैं, वो सारा मैन पावर का काम है। जो वहाँ पे अलग से हमने लोग अलॉट कर रखे हैं। हमारा बेसिकली काम वहाँ पे विजिलेंस का भी ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि लोग हमारे बहुत पुराने हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं। हम बेसिकली वहाँ पे कैश कलेक्शन के लिए ही जाते हैं, पैसे वैसे लेने जाते हैं और बीच में थोड़ा सा घूमने के लिए जाते हैं। ये हमारा आउटिंग की तरह ही ट्रिप होता है हमेशा। तो चलिए दोस्त, अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम अपना क्रशर और माइंस का सेटअप पूरा, कि किस तरीके से वहाँ पे काम किया जाता है। अभी तक मैंने आपको अपना LPG का बिज़नेस सेटअप दिखाया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी और इंडियन ऑयल का भी। आपको पूरा हमने समझाया था कि किस तरीके से आपको शोरूम चाहिए होता है, आपको गोडाउन की अवेलेबिलिटी होती है, आपको कैसे कैसे कितना पैसा लगता है, कितना पैसा आप कमाते हैं, वो पूरी चीज़ आपको बताई थी। क्या इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सब चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसमें मेरा एक मॉडल बच चुका है, वो मैंने आपको नहीं बताया था, जो था भारत पेट्रोलियम का। हमने बोला था आपको विजिट कराएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें हम आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल में बता चुके हैं, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट अब लग नहीं रही है क्योंकि वो भी सेम पैटर्न है, वही सेम आपको सारे NOCs उसी तरीके के लाइसेंसेस वगैरह चाहिए होते हैं, वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है। लेकिन यस, जैसे अगर हम दिल्ली में सेटअप की बात करें, जो हमारा सेटअप है, उसमें जो आपका गोडाउन है वो आपको लीज पर मिल जाता है DDA से। वो थोड़ा सा सस्ता मॉडल हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि DDA आपको लीज़ पर देता है, आप अप्लाई करके रखते हैं बहुत टाइम पहले से, आप इस चीज़ को अप्लाई करके रखते हैं और फिर वो आपका किसी भी टाइम पास होता है। तो ये बहुत लक वाला फैक्टर भी इसके अंदर होता है क्योंकि सरकारी चीज़ है, वो हमारे हाथ में नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ आ जाए, जैसे हमें वो चीज़ मिल गई है, फिर आपकी लॉटरी लग जाएगी। वो आपको बहुत लंबे लंबे टाइम की लीज़ मिलती है उसमें, और बहुत ही ज़्यादा कम पैसे में। अगर मैं आपको रफली आइडिया दूँ तो 1-1.5 लाख रुपए के अंदर आपका एक साल का रेंट होता है। अगर आप वैसे कहीं और इतना लैंड लेके और फिर अपना प्लांट सेट करोगे, जो अपना हम लोग गोडाउन बनाते हैं, तो भैया दिल्ली में आज के टाइम पर वो जगह आपको मेरे हिसाब से 7-8 लाख रुपए में मिलेगी, जो आपको DDA काफ़ी कम प्राइस में दे देता है। तो ये भी आप देख लेना। तो ये भारत पेट्रोलियम का सेटअप था, ये पूरा हमारा LPG बिज़नेस था, जो बहुत अच्छा बिज़नेस है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं कि पाइपलाइन आ रहा है, तो यार मैं बोलना चाहती हूँ कि ना, इंडिया में हर चीज़ का स्कोप है। पाइपलाइन आ रहा है तो वो बहुत एक एरिया है, रूरल भर भर के हमारे पास हैं, जहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे पाइपलाइन नहीं आ सकती, तो वो भी बहुत सारा एरिया होता है। अर्बन एजेंसीज के अंदर आपको अर्बन प्लस रूरल सारा कुछ मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लॉप होने वाला कोई बिज़नेस है, या पाइपलाइन भी आजकल बर्स्ट हो रही तो मतलब पाइपलाइन बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें नई नई आती रहती हैं और उसके हिसाब से हम लोग भी नई नई चीज़ों में एंटर करते रहते हैं। LPG बिज़नेस बहुत प्रॉमिसिंग बिज़नेस है, मैं हमेशा बोलती हूँ। सबसे ज़्यादा जिस बिज़नेस को मैं रिकमेंड करती हूँ, दैट इज़ LPG, जिसके अंदर आप सुबह जो पैसा लगाते हैं, सुबह मान लीजिए आपने 100 रुपये के सिलेंडर खरीदे हैं, शाम को आपके 100 रुपये भी आ जाएंगे, अलॉन्ग विद योर कमीशन, अलॉन्ग विद योर प्रॉफिट मार्जिन। तो वो सबसे सेफ बिजनेस है, उसको तो बिल्कुल आपको कंसिडर करना चाहिए। और अब हम लोग बात करते हैं माइंस एंड क्रशर की, जो भी एक बहुत प्रॉमिसिंग और नेक्स्ट लेवल बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रॉस है और उससे भी ज़्यादा कॉन्स है, वो क्या क्या है वो बात करते हैं अब।
अब आपको मैं बताती हूँ कि ये सिस्टम क्या है माइंस एंड क्रशर। बेसिकली अगर आपको इस बिजनेस में आना है तो आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, एक अपना मैं क्रशर का आपको सेटअप बताऊँ तो जैसे मेरा मेवात की साइड में है, वहाँ पे सिकरावा है गांव, वहाँ पर हमारा क्रशर लगा हुआ है और ये नू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो आपका हरियाणा में आता है। माइंस की बात करेंगे तो वहीं पर माइंस हमारी थोड़ी सी आगे चल के वहाँ पर नांगल के अंदर है, जो हमारे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, वो हमारा राजस्थान के अंदर है। तो वो एक ही प्रोजेक्ट हमारा दो अलग अलग स्टेट को कवर करता है। रूल्स और रेगुलेशन हर जगह के अलग अलग होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी हम आपको जहाँ पर लेके जा रहे हैं वो है हमारा नीम का थाना और वहीं पर हमारा माइंस और क्रशर का सेटअप है, वो आपको मैं दिखाऊँगी आज। बेसिकली देखिए, अगर हम माइंस की बात से शुरू करती हूँ, माइंस हमें दो तरीके से मिलती है। एक माइंस का सेटअप होता है जो आपको सरकार अलॉट करती है, वो आपको लीज पर मिलता है, 15 साल की लीज पे आपको माइंस मिल जाती हैं। माइंस बेसिकली समझिए कि आपने लैंड लिया, उसके ऊपर पहाड़ वहाड़ सब कुछ है और उसी की ब्लास्टिंग करके हम फिर अपना प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट जिस फॉर्म में चाहिए। प्रोडक्ट भी कई सारी फॉर्म में होते हैं, तो लीज का सिस्टम पहले समझ लेते हैं कि लीज एक मिली सरकार की तरफ से, एक होता है आपने अपना प्राइवेट लैंड खरीद लिया, हमने अपनी ज़मीन खरीद ली, उसको हमने कमर्शियल में कन्वर्ट कराया और फिर वहाँ से हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। ये हो गई हमारी माइंस का। माइंस में हमें माइनिंग डिपार्टमेंट से कुछ लाइसेंसेस चाहिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, वहाँ पर आपको उनको ब्लास्ट करना होता है, तो वो कई लाइसेंस होते हैं वो जो आपको मिल जाते हैं। अब आगे हम लोग मेन क्रशर पे बात करते हैं उस प्लांट की, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, और वहीं पर सारा मेन खर्चा है आपका। अब हम क्रशर पर जब आते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी मशीन लगी होती है, जो मेन आपका एक बड़ा सेटअप होता है मशीन का, वो मशीन के अंदर अंदर आपके कई सारे उसके अंदर मोड्स होते हैं जो आपको अलग अलग फॉर्म में आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट कीजिए, मुझे 40 mm की रोड़ी चाहिए, मुझे डस्ट चाहिए, मुझे जीरा वाली रोड़ी चाहिए, अलग अलग होते हैं। जो लोग क्रशर लाइन से जुड़े वो लोग समझ जाएंगे और बाकी अगर जो नए लोग हैं वो भी समझ जाइए कि इतना साइज़ चाहिए, इतना चाहिए, बिल्कुल डस्ट फॉर्म में चाहिए। ये वहाँ पर हमारी अलग अलग जो हमारी मशीन है, जो क्रशर की मशीन है, वो मेन कॉस्टिंग है यहाँ पर, वो आपको प्रोवाइड करती है। अब जो ये मशीन हमारी है, ये आपका पूरा बजट डिसाइड करती है कि आपका जो क्रशर का सेटअप है, जो आप ये माइंस और क्रशर में घुस रहे हैं, आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये मशीन अगर आप मिनिमम में कॉस्टिंग पे जाती हूँ तो 2 करोड़ से स्टार्ट होती है और आप इसको कितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, 3-3.5 करोड़ तक ये चला जाता है। सबसे बेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एज़ पर माई नॉलेज इट इज़ मेट्सो। मेट्सो का क्रशर सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वो फुल ऑन ऑटोमेटिक होता है और उसके अंदर जो आपके प्रोपेलर्स लगे होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अलग 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 प्रोडक्ट आपका निकलता है, वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है इस प्रोजेक्ट का ही। बेसिकली माइंस से क्रशर पे लाने के लिए जो हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे आप मशीन समझ लीजिए, ट्रक समझ लीजिए, उसको टिपर बोला जाता है, जिसकी हेल्प से वो वहाँ से यहाँ तक लाया जाता है। अब इसके अंदर ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस कैसे होते हैं, अगर मैं इनकम की बात करूँ, मोटा मोटा मैं इसके ऊपर इनकम की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर आप पर डे 1-2 लाख रुपये तक, 1-1.5 लाख, 2 लाख तक कमा सकते हैं, जो कमाते हैं लोग। और अगर बारिश हो गई है या माइंस, क्योंकि रोड पे नहीं होती, जब बारिश है तो आपका काम बंद है, आप काम नहीं कर सकते हैं। जो माइंस होती हैं हमारी, वो बिल्कुल रोड पे नहीं होती हैं, थोड़ा अंदर जाके होती है, 10-20 किलोमीटर अंदर होती है, तो उसमें बाकी लोगों का खेत आ गया, किसी और की लैंड आ गई, कुछ आ गई, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, जो लोकलाइट्स होते हैं आपके रास्ते बंद कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो इस काम के अंदर ना चैलेंजेस बहुत हैं। टाइम बाय टाइम एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलता रहता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती रहती है, लोडिंग के ऊपर लिमिटेशंस आती रहती है, और जो मैंने आपको बताया कि रास्ता कट गया या बारिश हो गई, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को फुल ऑन इफेक्ट करती है। उस टाइम पर आपका बिजनेस फुल ऑन ज़ीरो हो जाएगा। अगर सपोज़ कीजिए मैंने कोई माइन खरीदी और जब हम उसकी खुदाई करते गए, हम उसको तोड़ते गए, जब नीचे आए और नीचे से और थोड़ा हमने जब उसको तोड़ना शुरू किया तो पता चला यार नीचे तो हमारा मिट्टी आ गई है या हमारा कच्चा पहाड़ आ गया, इस तरीके से टर्म यूज़ की जाती है, तो आपका पूरा पैसा वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। वहाँ पर आप उसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो वो यहाँ पर आपकी किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, गुड़गांव में आप सबको पता है बहुत फेमस स्कूल है, पूरा नाम नहीं बताऊँगी, पाथ करके स्कूल का नाम स्टार्ट होता है और आप सबको पता है बड़ा वो, उनकी उसके जो ओनर हैं उन्होंने भी माइंस एंड क्रशर का काम सबसे पहले स्टार्ट किया था, मतलब उनका सबसे पहला काम वो था। तो जब उन्होंने वहाँ पर अपना काम शुरू किया, ब्लास्टिंग वगैरह हुई, तो उनके लैंड में वहाँ पे उनको ग्रेनाइट मिल गया था।
और ग्रेनाइट की आज की डेट में क्या कीमत है वो सबको पता है, और वो उनका सबसे बड़ा बेस है जो आज की डेट में उन्होंने इतना सब कुछ चीज़ें बना ली है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी बहुत राइज भी कर सकते हैं, और अगर आपकी माइंस में आपको कुछ बेकार चीज़ निकल आई तो आप ज़ीरो भी हो जाते हैं। माइंस भी दो तरीके की होती है, एक सफ़ेद पहाड़ लेते हैं, एक में काला पहाड़ लेते हैं, एक मिक्स टाइप का होता है। अगर आपने काला लिया है तो उसके अंदर आपकी जो रोड़ी है वो बिकेगा, लेकिन उसका डस्ट ज़ीरो प्राइस होता है। वाइट वाला जो होता है उसके अंदर जो रोड़ी वगैरह है उसका कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ये कई तरीके के पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं, जज करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस बिज़नेस को करेंगे। इसमें खर्चा कितना आता है आपको बताती हूँ अभी, और कुछ और चीज़ें मेरे दिमाग में आती है तो उसको सोच के बताती हूँ। चलिए थोड़ा सा रास्ता इन्जॉय कीजिए। अच्छा, जो आपको मैं माइंस का बता रही थी ना, माइंस में भी एक मैंने आपको बताया गवर्नमेंट से ले सकते हो, आप अपना खुद का लैंड ले सकते हो, या फिर आप बाहर से भी बोरो कर सकते हो, किसी और के एग्जिस्टिंग माइन है आप वहाँ से भी ले सकते हो। आप जब अपने माइन अपने क्रशर में बेसिकली जब काम कर रहे हो तो आप बाहर का मटेरियल लेके भी अलग फॉर्म में उसको करके और उनको भी बेचते हो। तो ये कई कई तरीके के यहाँ पे फॉर्म्स पॉसिबल हैं। और माइंस चाहे वो आपकी खुद की है और चाहे आपने वो गवर्नमेंट से ली है, अगर आप गवर्नमेंट से ली है तो आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा उसका, और रॉयल्टी आपको हर केस में देनी पड़ेगी। सरकार अपनी रॉयल्टी इसमें लेती है, वो आपको देना पड़ेगा। गुट का एक टर्म जो लोग क्रशर से रिलेटेड है वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर सरकार का कुछ पार्ट होता है। फ़ायदा यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट का लीज़ वाला मॉडल ऑप्ट करते हैं तो देखिए आपको बहुत सारे लाइसेंसेस से बच जाते हैं, बहुत सारी परमिशन आपको नहीं चाहिए होती है। आपका खुद का लैंड है तो आपको माइनिंग डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको NGT से अप्रूवल चाहिए, आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए, तो वो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती है, जो दूसरे वाले मॉडल में अगर सरकारी मॉडल पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग उन चीज़ों से बच जाते हैं। यार देखो यहाँ पे दो दो हल्दीराम है पीछे और एक येरा सामने, और स्टारबक्स भी दो है, येरा एक वो रहा। क्या बात है, रोड में इधर हो जाए उधर हो हर जगह खाने की दिक्कत नहीं है। यार बीच में हमने छोटा सा एक हॉल्ट लिया है, अब हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर चलेंगे आगे। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब बात करते हैं कुछ पैसे की। पैसे की अगर बात करें तो देखिए मेन पैसा आप अपने क्रशर प्लांट से जो कमाते हैं वो सारा डिपेंडेंट करता है आपकी माइंस पे, मींस आपके जो पत्थर की क्वालिटी है उसके ऊपर कि आपका पत्थर किस क्वालिटी का है। जितना अच्छा आपका पत्थर होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा उसमें से ऑब्वियसली। अगर हम नॉर्मली बात करें जनरली में अपने प्लांट की हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए हम वहाँ पर रोड़ी की अगर बात करते हैं तो वो 400 से 450 टन के रेट पे बिकती है। जितना ज़्यादा आपका सामान बिकेगा, डस्ट की बात करेंगे तो वो 350 के रेट पे चला जाएगा। वाइट पहाड़ का डस्ट है तो वो और महंगा हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें वेरिएशन होती है। जितनी आपकी सेल होगी उतना यहाँ पे आप प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं। इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर डे का प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, उसको बढ़ा भी सकते हैं आप इतना, लेकिन निकल जाएगा आपका। लेकिन मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, प्रॉफिट सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे वाह यार 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये हम लोग कमाएंगे, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पर जिसमें आपका बहुत सारी बार पूरा का पूरा प्लांट पूरा का पूरा सेटअप एकदम डाउन हो जाता है। आपने माइंस गलत खरीद ली, नहीं किसी काम का, तो पूरा पैसा ख़त्म हो गया आपका। आपने आपको रास्ता नहीं मिल रहा माइंस से अपने क्रशर तक आने का, आपका पैसा ख़राब हो गया। बहुत सारे इसके अंदर चैलेंजेस आते हैं। बारिशों के दिन में नहीं हो रहा आपका काम, क्योंकि कैसे आपको लॉस हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो आपके खर्चे हैं वो आपके फिक्स हैं। चाहे आपका क्रशर चल रहा है दोस्त चाहे नहीं चल रहा है, यहाँ पर आपका काफ़ी सारे एक्सपेंस है जो फिक्स है। अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 रुपये तो आप मान के चलिए। बिजली का बिल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि बहुत हैवी मशीन्स को रन करना होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका सबसे मेजर हो गया। उसके बाद आपको बहुत अच्छी खासी मैन पावर चाहिए। यहाँ पर
ट्रेंड लोगों की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि मशीन्स बहुत हाई एंड होती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए हमें प्रॉपर टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, किसी भी टाइम उनमें कोई भी दिक्कत आती है, उनके पार्ट्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उनका रिपेयर इतना ईजी नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी इतना ईजी नहीं है, तो मिनिमम खर्चा आप मतलब 10 लाख तक का अगर आपका वर्किंग है तो होगा, और अगर बिल्कुल आपका उस टाइम पर डाउन बैठा हुआ है कि भैया बारिशों के टाइम में तो हम लोग काम ही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तब भी आपका 3 से 4 लाख रुपए इसके ऊपर लगेगा ही लगेगा, मतलब बंद में भी आपसे पैसा मांगेगा। तो ये प्लांट का सेटअप होता है कुछ इस तरीके से। कभी कभी ये बहुत हिट शो हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। जैसे मैंने आपको जो अभी सिकरावा वाला बताया वो हमारा इतना प्रॉफिट हमें नहीं दे रहा था, इनफैक्ट अब उसमें हमारा पैसा लगना शुरू हो गया था, तो वो हमारा एक लॉस वाला मॉडल हो गया वो। तो ऐसे भी चीज़ें हो जाती है बहुत, मतलब इसके अंदर चीज़ें चलती रहती हैं जिसमें आपको बहुत चीज़ों को दिमाग में रखकर वर्कआउट कर फिर इन चीज़ों को करना चाहिए। ब्लाइंडली खेलने वाला गेम नहीं है ये। अगर आप बात करेंगे कि कितने पैसों में आपका सेटअप होगा, तो 3 से 4 करोड़ रुपए आपको चाहिए एक क्रशर प्लांट को सेट करने के लिए, जिसमें मैं मान के चल रही हूँ कि क्रशर में जो मशीन है, आपने 2-2.5 करोड़ की मशीन अपनी ली है और जो आपकी माइंस है वो भी आपने अपनी खरीदी है। अगर आप इसको लीज मॉडल पे भी चलाते हैं तब भी दोस्त आपका काफ़ी पैसा लगेगा, वो भी सस्ता मॉडल नहीं है। तो अगेन ये भी बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस है। अगर आप करने में इंटरेस्टेड है तो फुल ऑन पहले स्टडी कीजिएगा और उसके बाद इसमें एंटर कीजिएगा। मैं सबसे पीछे बैठ चुकी हूँ और इस कार में ना बहुत सारा नी रूम है, हेड रूम है, क्योंकि हम खुद भी बैठते हैं। और भाई यहाँ पर अगर आप आओ ना नीम का थाना इस तरफ में सीकर वीकर की तरफ, यहाँ की कचौड़ी विद कड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम लोग उतर रहे हैं उसके लिए और मैं खाऊंगी वो। आ गई कचौड़ी, ये कैसी है, तड़का सा लगा दिया इसने, चल खाते हैं। कैसी है? ये ना टेंशन से भी होता है, टेंशन का। और यार यहाँ की ना ये चाउमीन भी बहुत ज्यादा फेमस है, उसका कलर देखो। और यहाँ पे ऐसे करके हमने पेप्सी भी ले ली है, बहुत ना वैसा सा फील आता है, घर जैसा सा, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे खाने में। हाँ रेट्रो सा लिटरली। मेरे चाउमीन खाने का मन कर रहा है, कितने देखने में टेम्प्टिंग है ये। तो चलिए दोस्त, फाइनली हम लोग आ गए हैं मेरे क्रशर पे। ये दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 घंटे लगते हैं मुझे यहाँ पे पहुँचने में, राजस्थान में पड़ता है ये। अब आपको मैं इसकी पूरी वर्किंग समझाती हूँ, पूरा ऑपरेशन समझाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं और कितना प्रॉफिटेबल या लॉस का बिजनेस है ये। तो अब कनेक्ट होते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेके नेक्स्ट वीडियो में क्रशर की प्रॉपर वर्किंग के साथ। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.